हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो ट्यूसडे मॉर्निंग है और व्लॉग एक दो दिन लेट हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। डेज बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं आजकल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 हुआ है और आजकल ना पुणे की जो मॉर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा चल रही है। तो आजकल सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि अन्वित थोड़ा सा आजकल परेशान रहता है। आज उसका अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर का, तो उसको दिखा के अपने लेके आएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना एज़ यूज़ुअल गर्म पानी कर लिया है, तो सबसे पहले वही मैं पीऊँगी, उसके बाद अपनी एक वॉक ले लूँगी। मैं घर पे ही वॉक करती हूँ क्योंकि पैरेलली जो भी मुझे करना होता थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। और सब लोग पूछते हैं कि मेरे कितने स्टेप्स होते हैं। इट्स डिपेंड्स एक्चुअली कि कितने स्टेप होते हैं। कभी 5,000 भी हो जाते हैं मॉर्निंग में, कभी 4,000 भी हो जाते हैं, डिपेंड। जैसे आज मैं थोड़ा सा देर से उठी तो आज कम ही होंगे, लेकिन पूरा दिन जैसे बिजी रहता है उसके अकॉर्डिंग मतलब होते हैं। हाँ, लेकिन मैं अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। वेट लॉस में मतलब इंपॉर्टेंट वही है, बाकी टाइम लगेगा तो आपके साथ जरूर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करूँगी। टफ होती है वेट लॉस जर्नी, मैं आपको ये बोलूँगी। वेट बढ़ाना ईजी होता है, बट वेट कम करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि अगर हम अपने खाने को कंट्रोल कर लें ना, तो बोलते हैं कि सारी इंद्रियां कंट्रोल हो गई। ये सबसे एक बड़ी चीज़ होती है। मैंने कोट कहीं पे पढ़ी थी कि हमें अपने टेस्ट बर्ड को कंट्रोल अगर कर लिया तो हमने हर इंद्रिय पे कंट्रोल कर लिया। तो चलिए, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई व्लॉग स्टार्ट होते ही। एनीवेज, आज का जो दिन है ना मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, तो वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी कि क्या क्या आज होने वाला है। तो चलिए पहले मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी होने वाला है, एकदम डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने जो दालें ली हैं ना वो डिफरेंट हैं। और ये पहले दिन की क्लिप है, इसमें मैंने साबुत मूंग लिए थे, उड़द दाल ली थी छिलके वाली और चना दाल ली थी, और ये डोसा वाले राइस हैं, ये मैंने 2 कटोरी लिए थे, बाकी मैंने छोटे वाली एक एक कटोरी दालों का माप लिया था। और जो उड़द की दाल है छिलके वाली, आधा कटोरी ली थी। तो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ना मैंने उसको सोख करके रख दिया था, और उसमें थोड़े से मेथी दाने मैंने डाल दिए थे क्योंकि गैस कभी कभी गैस्ट्रिक होती है इसीलिए। और यहाँ पे भी मॉर्निंग टाइम है, जो रात का पानी था वो मैंने सब गिरा दिया था क्योंकि रात के पानी पे थोड़ा बबल भी आ जाते हैं, और हमेशा मैं पानी गिरा के तभी मतलब दूसरा पानी चेंज करके फिर ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे इसको आपको फर्मेंटेशन का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं अभी अन्वित का ब्रेकफास्ट तैयार करूंगी, तो उसी के लिए मतलब मैं ग्राइंड सभी का ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे तो एक साथ ही बेसिकली मैं ग्राइंड करूंगी। और इसमें मैंने अदरक ऐड किया था, हरी मिर्ची मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि अन्वित कृषा दोनों खाएंगे तो फिर कभी कभी हरी मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट जो है ना वो मतलब ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। और इसमें आप जो ये ब्लैक ब्लैक बबल देख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक जो कण हैं वो बेसिकली छिलके वाली दाल के हैं, तो वो पिसते नहीं है ना बहुत बार, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको बोदर नहीं करेंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसमें से मैं थोड़ा बैटर निकाल लूंगी क्योंकि अन्वित को अप्पे ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं अप्पे बनाऊंगी। ये वर्सटाइल बैटर है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, डोसा बनाएं, उत्तपा बनाएं, अप्पे बनाएं, ढोकला बनाएं। तो एक बार बैटर तैयार हो गया फिर उससे आप 2-3 चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी मसाले, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा मैंने ऐड किया क्योंकि इंस्टेंट वाला है ना, तो थोड़ा सा इसको राइज करने के लिए कुछ तो चाहिए ना अप्पे का इसलिए। और इसमें बहुत सारे मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, और वेजिटेबल्स आपको पता ही है कि मैं मतलब सभी यूज़ करती हूँ जो भी मतलब मेरे पास होती हैं, बेसिकली जो ब्रेकफास्ट में जाती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूंगी, थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग टाइम दे दूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसे अप्पे बनाना शुरू करूंगी। तो मेरा जो अप्पे पैन है ना ये आयरन वाला है, तो मतलब काफ़ी थिक है ये, तो इसमें ना चीज़ें जलती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड कर लिया, और मेरा जो ये करछी का माप है ना इसका, बेसिकली करछी नहीं है ये, मेरा आइसक्रीम स्कूप है जिससे मैं आइसक्रीम निकालती हूँ ना, तो वो परफेक्टली जाता है इसे एक एक करछी, और इसमें परफेक्ट फिट बैठता है। तो अच्छे से गर्म हो गया, और फिर मैंने अपना जो बैटर है इसमें पोर किया और उसको ढक के सेका, तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, अभी आप देखना। और अच्छे से
जब सीख जाएगा तभी मैं इसको फ्लिप करूंगी। तो अप्पे जब सीख जाएंगे ना तो ये साइड से थोड़ा सा किनारे छोड़ देंगे, इससे पहले आप इनको टच मत करना वरना क्या होता है ना फिर वो चिपक जाएंगे और मतलब अच्छे से सीखेंगे भी नहीं। तो देखिए जब ये अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा किनारे छोड़ दिया तभी मैंने इनको टच किया और इनको मैं अभी फ्लिप करूंगी और दूसरी साइड से भी मैं सेक लूंगी। और ये ना बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे, आप एक बार ट्राई करना और इन्हीं दालों के साथ ट्राई करना, और अदर दाल इसमें कुछ मत ऐड करना क्योंकि हम दाल तो कोई भी ले सकते हैं लेकिन हर दाल का अपना एक अलग टेस्ट होता है ना, तो जो दाल का कॉम्बिनेशन मैं लेती हूं वही मैंने आपके साथ इसमें शेयर किया है। सो यहाँ पे अनमित का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है, इसके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला ऐड कर दिया और साथ में केचप रख दिया, और उसको ना ऐसे बहुत पसंद है, आप भी इसके ऊपर कभी चाट मसाला ऐड करके देखना। और बस इसके बाद मैंने मंदिर मतलब रूम की सफाई वगैरह की और मैंने अपना जो दुर्गा सप्तशती है वो पढ़ा, तो हमारी बेसिकली थोड़ा सा क्विक लेके चल रही हूँ क्योंकि आज का दिन काफी बिजी होने वाला है ना, और हम लोग खाएंगे इसका डोसा। तो उसके लिए निर्मला ने चटनी बनाएगी, तो उसमें भुना हुआ चना ले लिया, नारियल ले लिया कच्चे वाला, हरी मिर्ची ले ली और साथ में हरा धनिया ले लिया, इसमें सोल्ट जीरा ऐड करेगी और खट्टी दही नहीं थी तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देगी। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है इतनी देर में थोड़ा सा वो फर्मेंट भी हो गया था इतनी देर में ही, क्योंकि मौसम का भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और यहाँ पे वो फिर पतले पतले इसके जो डोसे हैं ना वो बना के तैयार करेंगी। तो मैंने तो उसके साथ खैर फ्राइड आलू भी बनवाए थे लेकिन मम्मी वही बोल रही थी कि इसको अगर चाय के साथ ऐसे भी खाएंगे तो भी ये मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि दाल का जो टेस्ट है ना वो काफी अच्छा आ रहा था। आप ना इसको एक बार ट्राई करके देखना, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये जितना टेस्टी है ना उतना ही ज्यादा हेल्दी भी है। और यहाँ पे मैंने अपना मतलब चाय लूंगी, तो चाय में मैं शक्कर ले लेती हूँ, मैं वाइट शुगर नहीं लेती हूँ, और बहुत साल हो गए हैं इस चीज को, तो बहुत पहले स्टीविया भी लेती थी और अभी भी मम्मी स्टीविया डालती हैं अपने चाय में, तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो तवे रख लिए हैं क्योंकि पूजा के बाद सभी को भूख लग जाती है, और अभी सब अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो करेंगे क्योंकि पूजा करते करते हमें 10:30 तो हो ही जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और हम लोग किसी दिन एक अध्याय करते हैं, किसी दिन दो करते हैं, बेसिकली हमारे 8 days के फास्ट होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नवमी पूजन होता है। और यहाँ पे कृषा को अपना पूरा प्लेट चाहिए, वो बात लगे वो उसमें से कितना खाएगी कितना नहीं खाएगी, आजकल थोड़ा सा जिद्दी भी हो गई है। और बस यहाँ पे भी हम लोग अपना एंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट, और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना था ये डोसा, एक बार आप ट्राई करके देखना और इन्हीं दालों के साथ ट्राई करना, आई एम श्योर कि आपको और आपकी फैमिली के लोगों को ये पसंद आएगा। ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी थी थोड़ी सी, मैंने वो काम किया क्योंकि वो भी सब पैरेलल चलता है, और एक वीडियो की एडिटिंग में 2 to 3 hours आराम से लग जाता है, एडिटिंग करो पोस्टिंग करो ऑप्टिमाइज करो बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी आधा ही हुआ है और आ गई हूँ अनमित को स्कूल लेने के लिए, तो उसको स्कूल से पिक करूंगी, उसके बाद हमें जाना है चितले। आज ना मेरे घर पे मैंने कीर्तन रखा है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था ना कि हमारे यहाँ पे हम मतलब काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ पे हर दिन ना ये हो रहा है कीर्तन हो रहा है, तो आज भी जाना है शाम को, तो एवरीडे ऐसे ही बीत रहा है, तो थोड़े से ऐसे मतलब बिजी चल रहे हैं, सबके उपवास भी हैं। तो चितले से ना मैं कचौरी लेके जाऊंगी क्योंकि इसकी कचौरी बहुत अच्छी है, चिप्स लूंगी और साथ में पेड़े लूंगी, जिनका उपवास है वो पेड़े चिप्स और ये बनाना ये सब खा सकते हैं, और बाकी जिन जो नॉन फास्टिंग वाले, क्योंकि फास्टिंग वाले ज्यादा लोग नहीं है, नॉन फास्टिंग वाले ज्यादा है, तो मैंने कचौरी ले लिया और चाय वगैरह ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे आई तो ये सब काम किया और छोटे वाले समोसे पैक कराए क्योंकि चितले के ये भी अच्छे लगते हैं, चितले का स्नैक्स ना अच्छा है, हम प्रदीप के यहाँ से भी लेते हैं लेकिन कुछ चीजें चितले के यहाँ की अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो बुधानी वाले चिप्स है ना वो लिए हैं मैंने क्योंकि ये काफी अच्छे होते हैं, एकदम क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सामान वगैरह सब कुछ पैक कराऊंगी, और क्लिप तो छोटी छोटी होती हैं बट जो काम सुबह से पैरेलली चलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैं आई हूँ पूजा की शॉप पे, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें पिक करनी थी, वो मैंने पिक की और पिक करके घर आई, घर आके बस बैठी 2 minutes के लिए, फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन करूँगी, यहाँ पे लगाऊंगी मैं माता की चौकी। हमारे यहाँ पे जो माता की स्थापना वो तो आपने देखी है, अंदर रूम में हुई है, लेकिन सब लोग आएंगे कीर्तन करेंगे तो हमारे रूम में इतना स्पेस नहीं है, तो इसीलिए लिविंग रूम में मैं पूरा स्पेस बनाऊंगी, और जो जागरण वाली माता की चौकी है बेसिकली वो बना के मैं तैयार करूंगी, क्योंकि
माता की तस्वीर के साथ, माता की तस्वीर तो होनी चाहिए ना जिनके सामने हम भजन गाएंगे, तो मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन कर दिया। और यकीन मानो मतलब सब काम करते करते ना, मतलब ये लगातार मेरा जो काम है ना वो चल रहा था सुबह से, मैं जब से उठी थी, अनवित का किया, फिर उसके बाद एक जो एडिटिंग किया, फिर जैसे भी था, तो लगातार मैं मतलब ऐसे काम कर रही थी। और टाइम अभी 2 बज गए थे, यू वॉन्ट बिलीव। तो अभी यहाँ से डेकोरेशन करूँगी, पूरा सब कुछ सेटअप करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा लंच। लंच में आज खिचड़ी ही बनाया था क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो थोड़ा सा खिचड़ी खाने के बाद मैं बस मुश्किल से 5 मिनट ही मैंने रेस्ट किया था क्योंकि फिर शाम की तैयारी भी करनी थी। मैंने सबको ना 3:30 का टाइम दिया था क्योंकि 3:30 का टाइम देती हूँ तो सब लोग 4:30 तक ऐसे आते हैं, ऐसे हो जाता है यहाँ पे ना। तो मैं तो 3:45 पे तैयार होके आ गई थी क्योंकि अगर मुझे लगा कि हम ही लोग तैयार नहीं होंगे, वैसे मैं हमेशा पंक्चुअल रहती हूँ और टाइम पे तैयार हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो पूजा की थाली है वही मैं लगा रही हूँ, जो खरीदा है प्रसाद वो लगाऊंगी और दिया वगैरह जलाऊंगी, तो ये सब तैयारी करूंगी। और सबसे पहले सोनिया आ गई थी घर पे, तो प्रसाद वगैरह सब कुछ लेके आई थी, तो फिर हम लोगों ने अपना जो कीर्तन है ना वो शुरू किया। और आप भी भजन सुनिए, आजकल इतना मजा आ रहा है ना माता के भजन गाने में। और पूरी हमारी जो मंडली है ना वो तैयार हो गई है, हमने ढोलक भी खरीदी है सब लोगों ने मिलके। और मतलब सब लोग यही बोल रहे थे कि अभी एक कॉन्ट्री करके स्पीकर ले लेते हैं और अपनी पूरी जो भजन वाली मंडली है ना वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना काइंड ऑफ प्रो हो गए हैं गाने बजाने में ना। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे, और इस बार इतने सारे कीर्तन हुए ना तो अगली बार तो मतलब हमें कोई हायर ही कर ले, ऐसे वाली बात हो गई है, ऐसे हम लोग बोल रहे थे। क्योंकि एक फ्रेंड है, उनके पास बुक वगैरह भी हैं, तो उनके पास सब भजन लिखे हुए हैं, इतने दिनों से गा रहे हैं, बहुत सारे याद भी हो गए हैं, तो सब कुछ ऐड करती, लेकिन क्या ना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। लेकिन जितना भी ऐड किया मैंने, थोड़ा बहुत ऐड किया, बाकी आपने रील भी देखी होंगी जो मैंने थोड़ी बहुत पोस्ट करी है। वैसे तो रील और शॉर्ट्स पोस्ट करने में थोड़ी सी पुअर हूँ। सो अभी सब तैयारी हो गई है और अभी सब लोग आने ही वाले होंगे। 3:30 का टाइम दिया था, टाइम 4 बजने वाले हैं, तो सब तैयारी है। और ढोलक हम लोगों ने ना मिलके खरीदी है, 5-6 लोग हैं हम लोग, कीर्तन ग्रुप बनाया एक, तो हम सब लोगों ने फिर मिलके ढोलक खरीदी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थाप है ढोलक की, तो अभी दिखाऊंगी जब बजेगी। तो मैंने आज अपनी वाली साड़ी पहन ली है, रेड कलर वाली, तो थोड़ा फेस्टिव उसमें ना ऐसा लगता है मुझे कि ये बॉर्डर वाली पहनो ना तो अच्छा लगता है। तो कंप्लीट लुक दिखाती हूँ आपको। और गाते ना
रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख समरूप दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप जीवन लखन जियाए फाइनली हो गया है माता का कीर्तन। कैसा हुआ मम्मी? अच्छा हो गया ना, है ना? सब कुछ हुआ, वही बोल रहे थे कि तुम्हारा ज्यादा लंबा चला तो अच्छा हो गया। अच्छा हुआ ना सौरभ? तो हो गया। हाँ, बहुत अच्छे से हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा सब कुछ किया और बहुत अच्छे से हुआ है। तो बस अभी हम लोग जिनके यहाँ प्रसाद दे के आना था वहाँ पे हम लोग दे के आ गए हैं और सब लोग मतलब जो खा के गए वो भी खा के गए। कुछ लोग पहले चले गए थे तो उनके यहाँ भी दे के आना था। तो अभी यहाँ पे देवी का जो दरबार है हमारा वो लगा हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मन खुश हो गया। तो चलिए, आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ इंजॉय किया होगा और जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।